आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर को जो अपना टीचर्स डे मनाया जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी जब वो थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे तो लोगों ने कहा कि आपकी बर्थडे मनाएंगे, उन्होंने कहा नहीं मैं आप टीचर हैं तो कहा टीचर डे मनाओ। उस दिन से आज तक टीचर से मनाया जाता है। आज में हम लोगों ने जो अच्छे टीचर्स हमारे इलाके के हैं उनको हम लोगों ने जो है फिलिसिटेट किया हुआ है और उनको उनके टीचर्स की क्या अहमियत होती है जनता में बताने की ज़रूरत है। आज जो है वेस्टर्न कल्चर में जो है लोग जो है माँ बाप टीचर्स की इज्जत करना कम कर चुके हैं। हम भारतवर्ष की जो संस्कृति है उसको वापस लाना चाहते हैं और टीचर्स माँ बाप के बाद टीचर्स का बहुत बड़ा वो होता है, हिस्सा होता है समाज के अंदर, उनका बहुत बड़ा स्थान होता है, वो कायम होना चाहिए। टीचर्स हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, उसको लोगों को बताया गया कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करो और टीचर को भी बताया गया है कि टीचर सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, टीचर्स माँ बाप की तरह से बच्चों से प्यार करें और पढ़ाई के साथ साथ ज़िंदगी में रहने का लिए लोगों से मिलना जुलना, हिंदू मुस्लिम की एकता, भारतवर्ष संविधान की रक्षा करना, ये सब भी सिखाना ज़रूरी है। देखो ऐसा है ना कि ये सब जो है बातें करके ये लोग पोलराइज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कुछ हो। हमारी तादाद कितनी है? 15%। उनकी तादाद है वो जो है ना मेजॉरिटी को खुश करना चाहते हैं और ज़बरदस्ती का नफरत करना चाहते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती कि तुरंत ऐसे लोगों को पार्टी से निकाले और उन पर मुकदमा करे, और ये मुकदमा नहीं कि 153A कर दिया, छोटा सा कर दिया, एक दिन छूट कर आ जाएं। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको टेररिज्म के लॉ बना के उसमें ये टेरर फैला रहे हैं, उनको ऐसे लॉ बंद करो कि उनकी जमानत ना होने पाए। ये मेरी मांग है, अब वक्त आने दीजिए, हम दिखाएंगे क्या करना है। देखिए ऐसा है ना कि जब प्राइवेट स्कूल के टीचरों को तनख्वाह बढ़ाई जाएगी तो फीस ज़्यादा ली जाएगी तो लोग देंगे नहीं फीस, क्यों? लोग फीस देते हैं 400-500 रुपया, और जो है जो बड़े बड़े स्कूल जहाँ टीचर की ज़्यादा तनख्वाह मिलती है ना, एक स्कूल में चलाता हूँ वहाँ हम 28 लाख रुपया देते हैं फीस हर महीने की, और हमारे पास 200 बच्चे हैं और हमारे पास 101 मेरे पास स्टाफ है, मैं उनसे ज़्यादा फीस लेता हूँ और बच्चों को अच्छी तालीम देता हूँ, तो वहाँ तनख्वाह अच्छी मिलती है। लेकिन यहाँ स्लम में छोटी जगहों पर जो स्कूल खोलते हैं उनको पैसे मिलते हैं नहीं, तो कहाँ से चलाएंगे बेचारे? गवर्नमेंट को वोट देना चाहिए उनको, गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल नहीं खोल रही है तो लोग स्लम में छोटे छोटे जगह लेकर स्कूल खोल रहे हैं, उनको स्कूल खोलने का परमिशन दिया जाए और गवर्नमेंट टीचरों की तनख्वाह खुद देवे तो होगा काम। कि गहराइयों से दिया कि मैंने कहा ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यानी गुरु का मैंने बताया कि इतना बड़ा दर्जा है कि ईश्वर भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं तो पहले गुरु का पैर छुआ क्योंकि गुरु ने भगवान के बारे में मुझे तालीम दिया है। तो इस चीज़ को भारतवर्ष में बरकरार रखना चाहिए, ये वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की जरूरत नहीं। बहुत ज़्यादा देखा आप कितने अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं, अब देखिए लोग जबरदस्ती गोंडी को बदनाम कर रहे हैं, गोंडी में नशा है, अभी देखो अंधेरी में कितने लोग पकड़े गए, तो आप ट्यूब देखा होगा आपने, सब नशा बेचने वाले हैं, मलाड में कितने हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस में कितने नशा वाले हैं, सरकार इनको बंद करे। हमारा गोंडी बहुत अच्छा है, गोंडी में शरीफ लोग हैं, तो गोंडी को जबरदस्ती बदनाम ना किया जाए। चलो धन्यवाद। प्रोग्राम टीचर डे का हम लोगों ने रखा था, आज जितनी टीचरें थी सबको सम्मानित किया है आज नियाज अहमद ट्रस्ट की जानिब से, और आज जितनी भी टीचरें रिटायर हुई हैं, मतलब गोवंडी के अंदर जो रिटायरमेंट के बाद में, उनको हम लोगों ने ढूंढ के निकाला है, और हमारी जितनी टीचरें यहाँ पे टीचर डे के दिन उनको हम लोगों ने सम्मानित किया है हाजी नियाज अहमद ट्रस्ट की जानिब से। आसिम भाई का ये कहना है कि जो टीचरों की सम्मान अगर होगा तो एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन का काम सबसे पहले टीचर से ही शुरू होता है, इसीलिए हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम रखा हाजी नियाज अहमद ट्रस्ट की जानिब से। और सबसे बड़ी बात, 109 टीचर आई थी, वो 109 टीचर का मामला ये था कि वो बहुत परेशान थी, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही थी। एक उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, 109 टीचर है मुस्लिम, उसमें हर कौम की टीचरें हैं और पूरे महाराष्ट्र से वो टीचर है। मैंने भाई से सिर्फ इतना बताया कि भाई, इतनी आसिम भाई से मैंने बताया कि भाई ये टीचरें हैं और ये बहुत प्रॉब्लम में। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि ये टीचरें कहाँ से है, क्या है, उन्होंने सिर्फ ये पूछा किसको फ़ोन लगाना है। उन्होंने फ़ोन लगाया, ऑफिसर को बताया, ऑफिसर ये इनका ये काम रुका हुआ है, आप लोग क्यों नहीं कर रहे। 3 दिन के बाद उनको ऑफर लेटर, उनका जो लेटर था मेल आ गया उनको। वो टीचरों ने दुआ दिया, उसमें से कुछ टीचरें हॉस्पिटलाइज भी थी,
और काफ़ी परेशान थी, पूरे महाराष्ट्र की टीचर थी, 109 टीचर। आज वो टीचरों ने भाई का सम्मान किया। ऐसे कई काम है जनाब अबू आसिम आजमी साहब के, मैं ऐसे कई काम है जिनको लोग वो पता ही नहीं है, वो नेकी के तौर पे, तो उनके ये सब कामों को भी ध्यान रखते हुए हमारी ये दुआ है कि 109 टीचरों की दुआ, वो 109 टीचर ही नहीं है, उनके पीछे कितने स्टूडेंट, उनके कितने बच्चे, उनके पूरे परिवार की सबकी दुआएं हासिम भाई को मिली है। और मैं यही चाहूँगा कि बस मेरी भी यही दुआ है कि उनकी जनाब अबू आसिम आजमी साहब की उम्र में, सेहत में, और जो आने वाला इलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा वोटों से लीड करे। और मेरी गोवंडी वासियों से ये अपील है कि हम अगर ऐसा MLA खो देंगे तो समझ जाना हमारा मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है। इसी के लिए हमारा भी ये काम है कि जो 109 टीचरों ने बढ़ चढ़ के दुआ दिया है, तो हमारा भी ऐसा काम है कि हम भी जनाब अबू आसिम आजमी साहब का साथ दें। एक एक फैमिली मेंबर ये सोचे कि मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कोई भी भड़काए, कोई भी पैसा देने की कोशिश करे या नाम खराब करने की कोशिश करे, किसी की बातों को ध्यान ना दे। मेरा यही कहना है कि जनाब अबू आसिम आजमी साहब के कामों को ध्यान दें। देखिए, मैं सारी टीचरों को तहे दिल से शुभकामना, मेरी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे टीचर अगर नहीं होते तो आज बच्चे हमारे अनपढ़ होते। तो सबसे बड़ा रोल टीचरों का होता है, माँ बाप और टीचर दोनों सिमिलियर है, एक जन्म देता है एक शिक्षा देता है। तो हम दोनों का सम्मान करें, अपने टीचरों का सम्मान करें, टीचर का सम्मान करेंगे तो तालीम में इजाफा होगा, बस मेरा यही कहना है। एक्चुअली ये टीचर डे के एक्चुअली हमारे मन में नहीं, ये हमारे जनाब हमारे जो आइडल है जनाब अबू आसिम आजमी साहब का, ये एक प्रोग्राम नहीं होता है, ये पूरे महाराष्ट्र में होता है टीचर डे के टाइम पे। और इसी तरह यहाँ पे भी एक हुआ है, वो अभी इतना उनको वक्त नहीं है कि मतलब वो कहाँ जाए, तो काफ़ी टाइम निकाल के उन्होंने आया। ऐसा कई जगह पे टीचर डे का प्रोग्राम हो रहा है। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं इस टीचर डे के दिन पर सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। देखिए, टीचर्स डे के प्रोग्राम ऐसे हर जगह होने चाहिए, और पहले भी कई बार हुआ है यहाँ पर, लेकिन जैसे कि हमारे खासकर गोवंडी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर लोगों को सिर्फ गलत चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन आज आप देखेंगे कि यहीं के लोकल रेसिडेंट लोग इतने बेहतरीन टीचर हैं जिन्होंने अपने बच्चों को, यहाँ के बच्चों को काबिल बनाया है, तो ये अपने आप में एक उदाहरण है। तो देखिए, जैसे हमारे आमदार साहब ने बताया, नशा हर जगह है, बस इतना है कि नशा हर जगह है। आप बड़ी बड़ी जगह जाएंगे, चाहे लोखंड वाला देख लो, बैंड्रा देख लो, वहाँ कौन बोलता नशा नहीं है, हर जगह नशा है। लेकिन क्या हमारे घर यहाँ छोटे छोटे हैं, बच्चे बाहर निकल के पीते हैं, करते हैं तो दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ नशा है बोलना जरूरी नहीं है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, उसके अंदर चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, नगर सेवक हो, पब्लिक हो, सबको मिलके काम करना चाहिए इस पे, तब जाके नशा खत्म हो सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और अच्छा फील कर रहे हैं, इससे एक बहुत एनकरेजमेंट मिलता है और अच्छा काम करने के लिए। थैंक यू। एटलीस्ट बहुत अच्छा है, जो ऑर्गेनाइज भी किए वो भी बहुत अच्छा है, एटलीस्ट टीचर्स के रेस्पेक्ट में वो भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, ये व्यू भी अच्छी है। थैंक यू।